हेलो किसान भाई, आप सब लोग का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे किसान भाई आलू की खेती करते हैं, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आलू की खेती कैसे करके करना है। तो इस वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है कि आपको खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, किस समय पर आपको कौन सा सही समय पीरियड होता है कि आलू की खेती करने के लिए, और आपको बीज की मात्रा कितनी चाहिए होती है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आपको पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है, और आपको बीज की कितनी मात्रा का प्रयोग करना है, और जब आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इन सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। किसान भाई, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। किसान भाई, इस वीडियो में ऐसी जानकारी मिलने वाली जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान भी इस चैनल पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मैंने काफ़ी सालों से सीखा है, 8 साल से सीखा है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार है, या जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के उन्हें नोटिफिकेशन मिलते रहे और वो जानकारी लेते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की आलू की खेती A to Z जानकारी। तो किसान भाई, आलू की खेती करने से पहले सबसे पहले जरूरी जो कार्य होता है वो खेत की तैयारी होता है, क्योंकि किसान भाई अगर हम कोई भी फसल करते हैं तो खेत की तैयारी अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तब हमारी जो पैदावार होती है वो घट जाती है। तो किसान भाई, आपको सबसे पहले खेत का चयन करना है। खेत का चयन करना है किसान भाई कि आलू खेती जिस खेत में आप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आलू की खेती करने के लिए आपको ऐसे खेत की चुनाव करना है जहाँ पर पानी ना रुकता हो, क्योंकि जिस खेत में पानी का ठहराव होता है वहाँ पर फसल खराब हो जाती है और काफ़ी सारा घाटे का सामना करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस जगह पर आलू की खेती करें जहाँ पर पानी का निकास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी आपको किस प्रकार से करना है। तो किसान भैया, आप जब जिस खेत में आलू की बुआई करने जा रहे हैं तो उसको आपको पहले तो पलीवा करना है, उसके बाद आपको कम से कम 3 जुताई कराना है, और हर एक जुताई के बाद किसान भाइयों आपको पाटा अवश्य लगवाना है, क्योंकि पाटा लगवाने से ये होता है किसान भाई कि हमारी जो नमी होती है वो बरकरार रहती है और हमारा खेत समतल दिखाई देता है। तो आपको हर जुताई के बाद आपको पाटा लगाना है। अब दूसरी बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आपको जब आप लास्ट जुताई करा रहे हैं तो उसके बाद उससे पहले आपको देसी खाद यानी कि सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है, कम से कम 3 ट्रॉली। तो किसान भाई, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो सड़े हुए गोबर की खाद होना चाहिए, उसमें प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, कंकड़ या पत्थर या ईंट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, उस खाद का प्रयोग करें जो एकदम पकी हुई शुद्ध देसी खाद जिसे बोलते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 ट्रॉली प्रयोग करना है। उसके बाद में किसान भाई, आपकी जब बेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि बेड की तैयारी करते समय जब आप बेड की तैयारी करने किसान भाइयों, तो उससे पहले आपको घूरा उसमें डाल लेना चाहिए। ऐसा होता है काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि जब बेड तैयार कर रहे हैं उस समय पर घूरे का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सड़े हुए गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग उस समय पर करते हैं। तो किसान भी आपको उस समय पर बिल्कुल नहीं करना, उससे पहले ही जब लास्ट जुताई कराने से पहले आप घूरे का प्रयोग करें। अच्छी तरीके जुताई कराने के बाद रूटावेटर से जुताई कराएं और उसके बाद से आप पाटा लगवा दें। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि हमें बीज का चयन किस प्रकार से करना है। तो किसान भाइयों, बीज का चयन करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने एरिए के हिसाब से आपको बीज का चयन करना है, क्योंकि काफ़ी सारे एरियों में अलग अलग वैरायटी होती है जो अलग अलग तरीके से, यानी कि जो क्लाइमेट्स के हिसाब से हमारा जो बीज होता है उसका पैदावार होता है। तो आपको अपने एरिए के हिसाब से आपको जानकारी लेना है कृषि संशोधन से कि आपके एरिए में कौन सा अच्छा बीज है। अगर मैं किसान भाई आपको बता चुका हूँ कि मैं जो बीज का प्रयोग करता हूँ, एक ही बीज का प्रयोग करता हूँ, LR, ये बहुत ही अच्छा बीज होता है। इसका ही प्रयोग मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी है। किसान भाइयों, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आप बीज का चयन करते हैं उसके बाद जो मेन कार्य होता है कि जब आप आलू की बुआई करने जा रहे हैं उससे पहले आपको बीज शोधन अवश्य करना है। काफ़ी सारे हमारे किसान भी गलती कर देते हैं कि बीज शोधन नहीं करते हैं, तो इससे काफ़ी सारा घाटा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको आलू के जो बीज शोधन आपको किस प्रकार से करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। किसान भाई, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल आते हैं जिनसे हम अपना बीज शोधन कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे किसान भाई मार्केट से टेक्निकल तो खरीद के ले आते हैं लेकिन बीज शोधन सही से नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिलता है और उनकी जो आलू की जो समस्या होती है उसमें फंगस लग जाते हैं और काफ़ी सारे आलू सड़ जाते हैं। देखा होगा आपने कि आलू काफ़ी बड़ा हो जाता है और वो नीचे से सड़ जाता है,
तो किसान भाई आपको इसके लिए बीज शोधन किस प्रकार से करना है, आप कोई भी अच्छा बेस्ट टेक्निकल लेके आए और उसे करीब 20 लीटर पानी में घोल लें और अपने आलू को कम से कम 5 मिनट के लिए उसमें डाल दें। कम से कम 5 मिनट रोकना चाहिए किसान भाइयों, और उसके बाद में आप आलू को निकाल लें। इस तरीके से आपको बीज शोधन करना है। तो किसान भाई आपको बीज शोधन करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करना है बुआई करते समय। तो किसान भाइयों हमारी आलू की जो फसल होती है ये रबी फसल की सबसे बेस्ट फसल होती है और सबसे ज़्यादा अच्छा इसका उत्पाद भी होता है। तो किसान भाइयों आप जब आलू का आप आलू की जब बुआई कर रहे हो किसान भाई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। आलू की जो फसल होती है उसको सबसे ज़्यादा फास्फोरस एंड पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि और कोई फसल होती है नाइट्रोजन की, इसकी नाइट्रोजन की भी आवश्यकता पड़ती है लेकिन वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे पड़ती है, लेकिन शुरू में फास्फोरस एंड पोटाश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको कितना प्रयोग करना है। तो किसान भाई आपको कम से कम 2 बोरी आपको DAP लेना है और उसके साथ में किसान भाई आपको 3 बोरी आपको SSP लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, और उसके साथ में आपको 10 किलोग्राम आपको लेना है फिप्रोनिल जो कि रीजेंट के नाम से आता है किसान भाइयों, और उसके साथ में किसान में आपको 1 बोरी लेना है MOP पोटाश। इन उर्वरकों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद किसान भाइयों आप इनका प्रयोग करें, तब आप आपकी जो आलू की जो फसल आएगी किसान भाइयों बहुत ही अच्छी और शानदार आएगी। बात कर लेते हैं कि रीजेंट की, किसान भाइयों आपको रीजेंट फिप्रोनिल का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी मानी फंगसाइड होती है आलू की फसल में जो नीचे से दीमक के रूप में या वाइट लीफ के रूप में लग जाती है, जिससे हमारा आलू ऊपर से सूख जाता है और नीचे से सड़ जाता है। तो आपको फिप्रोनिल का अवश्य प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको बीज की मात्रा कितना लेना है। तो किसान भाइयों बीज की मात्रा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीज हमारा डिपेंड करता है साइज़ के हिसाब से, आलू का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से हमारा बीज डिपेंड होता है। देखिए किसान भाइयों एक आता है कि आपको कितने ग्राम के आलू का बीज लेना चाहिए, किसान भाई 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम की कंद होना चाहिए, उसका बीज का ही प्रयोग करें तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई अगर आप 40 ग्राम वाले कंद का प्रयोग करें तो आपका जो बीज लगेगा वो करीब 20 से 22 क्विंटल एक एकड़ में लगेगा, लेकिन अगर आप 25 ग्राम वाले का प्रयोग करें तो आपका करीबन 12 से लेकर 14 क्विंटल एकड़ के हिसाब से लगेगा। किसान भी मैं जो बीज का प्रयोग करता हूँ वो करीब 30 से 35 ग्राम वाले बीज का प्रयोग करता हूँ, हमारा जो एक एकड़ में लगता है करीब 17 से लेकर 19 क्विंटल का बीज हमारे एक एकड़ में लगता है। इस तरीके से अगर आप 30 से 35 ग्राम का आलू के साइज़ का कंद का बीज बनाएंगे तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आपको इसकी बुआई करने के बाद पहली सिंचाई के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिंचाई के बारे में, काफ़ी सारे हमारे किसान भी गलती करते हैं कि सिंचाई सही तरीके से नहीं करते हैं जिससे उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों सिंचाई जब हम आलू की बुआई करते हैं तो किसान भाई आपको उस समय पर एक सिंचाई करना है, और उसके बाद में किसान भाइयों आपको हर 15 दिन के बाद आपको एक सिंचाई करना है। आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी जो आलू की फसल है उसमें कितने समय में सिंचाई करना चाहिए, खेत में नमी है या नहीं है। आप लड्डू बनाकर भी देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि आप लड्डू बनाकर अपनी ज़मीन में पता कर सकते हैं कि उसमें पानी की आवश्यकता है या नहीं है। तो आप हर 15 दिन के बाद आपको एक सिंचाई करना है। किसान भी बात कर लेते हैं कि आलू की जो फसल होती है उसका सही समय पीरियड क्या होता है, कौन से सही समय पर आपको आलू की बुआई करना चाहिए जिससे आप अच्छा रिजल्ट ले सकें। तो किसान भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर का जो लास्ट वीक है, यानी कि सितंबर का जो लास्ट यानी कि सितंबर एंड या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग का जो वीक है, उस वीक में अगर आप आलू की बुआई करते हैं तो इसे अगैती फसल बोलते हैं। इस समय पर आप अगैती फसल लेना चाहते हैं तो आप सितंबर के लास्ट वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, ये अच्छा समय पीरियड है और आप अगर इस समय पर करेंगे तो आपको अच्छा लाभ भी होगा। अगर आप लेट बुआई करना चाहते हैं तो किसान भी आप नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, नवंबर में पूरे नवंबर भी आप कर सकते हैं। इससे आप अगर आप लेट करना चाहते हैं तो आप नवंबर में भी बुआई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अगैती करना चाहते हैं तो सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप बुआई कर दें, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो पैदावार आएगी वो बहुत ही बढ़ करके आएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि हमारे टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी आलू की फसल में बढ़वार के लिए और उसका कंद साइज बढ़ने के लिए। तो किसान भाई दिन की जो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 25 सेंटीग्रेड से लेकर 30 सेंटीग्रेड आपको चाहिए होता है आलू की फसल दिन का टेम्परेचर। रात की टेम्परेचर की बात करूँ किसान भाई तो आपको 14 सेंटीग्रेड से लेकर आपको 15 सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। किसान भाई जब हमारी जो कंद बनती है, कंद बनने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में हमारा 18 सेंटीग्रेड से लेकर 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब हमारा जो कंद होगा वो अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा और उसका जो साइज होगा अच्छा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप
आलू की खेती करके वैज्ञानिक विधि से आप आलू की खेती करके किसान भाइयों काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। आलू एक ऐसी सब्जी किसान भाइयों ऐसी फसल है कि इसकी जो डिमांड है मार्केट में 12 के 12 महीने लगी रहती है और इसकी जो पैदावार है काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी अच्छी होती है। और मैं इसकी दर की बात करूँ जो मैं दर लेता हूँ एक एकड़ में किसान भाइयों, मैं एक एकड़ में 200 क्विंटल आलू की दर लेता हूँ। और खर्चे की मैं बात करूँ किसान भाइयों, मैं 35 से 40 हज़ार रुपये एक एकड़ में हमारा खर्चा होता है। और उसकी जो पैदावार की बात है ओवरऑल इस समय मार्केट की वैल्यू भी आप देख सकते हैं आलू की काफ़ी अच्छी वैल्यू है और करीब 800 से लेकर 900 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिलता है। यानी कि अगर आप एक एकड़ में आलू की खेती करते तो 1 लाख रुपये आराम से आप 30 दिन में यानी कि 3 महीने में आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आलू बहुत ही अच्छी और कम दिन में तैयार होने वाली फसल है। इससे आप अच्छा पैदावार भी ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आलू की खेती करके लाखों की कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आशा करते हैं किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। अगली वीडियो में मिलते हैं किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आलू की खेती में पहली खाद में आपको कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और फंगिसाइड कौन सा प्रयोग करना चाहिए और आपका जो कीटनाशक है उसका इंसेक्टिसाइड कौन सा प्रयोग करना चाहिए, कौन सा सही इंसेक्टिसाइड है, कौन सा सही फंगिसाइड है, कौन सा सही शेड्यूल है खाद का। तो सारे शेड्यूल के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें हैं सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी आलू की फसल से अच्छा पैदावार ले सके। किसान भाई अगर आपका कोई सवाल रहता है, आपका कोई डाउट रहता है आलू की फसल के रिगार्डिंग या कोई अन्य फसल के रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाई अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।